जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्टार। स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों पीछे फ्रेम में हमारे पास मारुति की एंटी लेवल कार ऑल्टो VXI और इसमें भी VXI प्लस वेरिएंट है, टॉप एंड वेरिएंट है। दोस्तों आज देखने वाले हैं इस वेरिएंट में क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, और इसके जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो बेस वेरिएंट की आने वाली है, और उसके बाद एक कंपैरिजन वीडियो आएगी। तो दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों सामने फाइनली आ गई है ऑल्टो VXI, मतलब मारुति की जो एंट्री लेवल कार है उसमें ये है सबसे टॉप वेरिएंट। दोस्तों आपको पता ही होगा 1 अप्रैल 2023 से जो है मारुति ऑल्टो 800 का प्रोडक्शन कंपनी ने बंद कर दिया है, क्योंकि वो गवर्नमेंट नॉर्म्स पे जो है पूरी तरह से खरी नहीं उतर रही थी, इसलिए कंपनी को उसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। और उसके प्रोडक्शन के बंद होने के बाद ही मारुति की सबसे एंट्री लेवल कार आ गई है ये वाली ऑल्टो VXI में भी VXI प्लस वेरिएंट है, टॉप एंड वेरिएंट है ऑल्टो सीरीज का। तो इसमें देख लेते हैं क्या कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले अगर कीमत की बात करें तो 5,35,000 रुपए में ये आपको एक्सोरूम देखने के लिए मिलती है, और इंजन है दोस्तों 998 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन, 65.71 BHP की पावर और 89 Nm का टॉर्क गाड़ी जनरेट करती है। माइलेज तो मायने रखता है ये दोस्तों मारुति की गाड़ियों का, तो यहाँ पर 24.39 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको कंपनी क्लेम करके देती है। लेंथ वगैरह देख लेते हैं तो 3530 mm की लेंथ है, चौड़ाई 1490 mm की है, ऊंचाई की बात करूं 1520 mm की है, और गाड़ी का व्हील बेस है 2380 mm का। तो कुछ इस तरीके के स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं। अब चलते हैं गाड़ी में फ्रंट से, देखते हैं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले तो इस तरीके की आपको हेडलैम्प मिल जाती है हेलोजन बेस्ड, ठीक है, यहीं पर आपको इंडिकेटर यूनिट मिल जाती है। और जब से ये जो है दोस्तों चेंज होके आई है इसमें फॉग लाइट हटा दी गई है, चाहे कोई सा भी वेरिएंट हो किसी में भी फॉग लाइट नहीं आएगी। ग्रिल कुछ इस तरीके की मैट ब्लैक फिनिश में आती है, बीच में सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। अगर साइड में देखें तो साइड में ये देखिए यहाँ पर फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर भी मिल जाता है। दोस्तों इस गाड़ी का कोई सा भी वेरिएंट आए जैसे कि स्टैंडर्ड, LXI, VXI, VXI प्लस, सभी के अंदर आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिलेगा फ्रंट फेंडर पे। ORVM भी दोस्तों आपको मैट ब्लैक फिनिश में ही मिलेंगे, बॉडी कलर में नहीं मिलने वाले हैं। ऊपर की तरफ आपको एंटीना देखने के लिए मिल जाता है इस तरीके से, ठीक है। अगर साइड में चलते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के ये डोर हैंडल्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। इस गाड़ी में VXI प्लस में दोस्तों रिमोट की मिलती है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा कैसी मिलने वाली है। उसके बाद टेल लाइट की बात करें तो टेल लाइट कुछ इस तरीके की मिलेगी, हैलोजन बेस्ड है, ठीक है, और थोड़ा स्क्वायर शेप में देखने को मिल जाती है। रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको दो ही मिलते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। कोई कैमरा वगैरह तो दोस्तों नहीं मिलता है, यहाँ पर सुजुकी का लोगो यहाँ ऑल्टो K10 लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। अगर रियर ग्लास में देखें तो न डिफॉगर मिलेगा और न ही रियर वाइपर मिलता है, लेकिन हाई माउंट स्टॉप लैंप अंदर की तरफ से देखने के लिए मिलती है। अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको फ्यूल फिलर कैप मिल जाएगा, 27 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इसमें देखने के लिए मिलती है। तो ये है कुछ इस तरीके का इसका एक्सटीरियर प्रोफाइल। एक बार टायर साइज और देख लेते हैं, तो टायर साइज इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 145/80 की प्रोफाइल के साथ 13 इंच का आपको स्टील रिम देखने के लिए मिलता है। पीछे की तरफ आपको जो है ड्रम ब्रेक मिलेगा और आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिलेगा। इस गाड़ी के किसी भी वेरिएंट में एलॉय व्हील नहीं देखने के लिए मिलता है, वो आप आफ्टर मार्केट ही लगवा सकते हैं अगर चाहें तो, वैसे इस गाड़ी में जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर डोर को ओपन करते हैं तो डोर पे देखिए दोस्तों यहाँ पर भी कोई पावर विंडो का ऑप्शन नहीं मिलेगा। डोर हैंडल ऐसा मिल जाता है, एक सिल्वर फिनिश में यहाँ मिल जाता है। बॉटल होल्डर देख लिया, बॉटल भी लगी हुई है। स्पीकर की बात करूं तो 4 स्पीकर इस गाड़ी में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक स्पीकर ग्रिल यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद देखिए चाबी देख लीजिए, आपको मारुति की जो टिपिकल की है कुछ इस तरीके से ही देखने की मिलेगी रिमोट की। उसके बाद देखिए एक ऐसी चाबी मिल जाती है नॉर्मल वाली, ठीक है। तो ये है कुछ इस तरीके से चाबी। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको हेडलाइट एडजस्टेबल रेगुलेटर देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर अब स्टीयरिंग व्हील की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखिए स्टीयरिंग व्हील लॉक हो गया, एक मिनट रुकिए। अगर अब स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो देखो स्टीयरिंग व्हील पे यहाँ पर टेलीफोनिक कंट्रोल और यहाँ म्यूजिक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए कंट्रोल मिल जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो है ना टिल्ट और टेलीस्कोपिक वगैरह कुछ नहीं मिलता है। दूसरी चीज यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखिए, ऑन कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिल जाता है, ये देखिए ये फुली डिजिटल है दोस्तों। यहाँ पर देखिए छोटी सी आपको MID मिल जाती है, उसके बाद यहाँ स्पीड के लिए
पूरा देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर मोड चेंज करने के लिए ये डंडी जैसी मिल जाती है, ठीक है। तो ये है कुछ इस तरीके का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, छोटा सा ही है दोस्तों, सादा सिंपल गाड़ी है। उसके बाद मेन चीज अट्रैक्शन VXI वेरिएंट में, यहाँ पर आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद देखें तो यहाँ पर हेजार्ड का बटन मिल जाएगा और यहाँ पर मिलती है दोनों फ्रंट साइड वाली पावर विंडो, यहाँ पर देखिए इस जगह पर, ठीक है। उसके बाद देखें तो यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। नीचे की तरफ देखें तो एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, उसके बाद एक यूएसबी पोर्ट और ऑक्स के लिए यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। एक स्पेस यहाँ पर मिल जाता है, दो कप होल्डर मिल जाते हैं, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, पार्किंग ब्रेक कुछ इस तरीके से मिलता है। उसके बाद देखें तो ग्लोव बॉक्स देखिए यहाँ ऐसा मिल जाएगा, दो एयरबैग मिल जाते हैं, एक पैसेंजर साइड में मिलता है, एक ड्राइवर साइड में मिलता है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ ड्राइवर साइड में कुछ ऐसा सनशेड मिल जाता है, कुछ नहीं है इसके अंदर। उसके बाद देखिए IRVM भी आपको सादा सिंपल देखने के लिए मिलने वाला है, यहाँ पर माइक का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर आपको अंदर की तरफ लाइटिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। और इस तरफ देखें तो पैसेंजर साइड में भी कुछ इस तरीके से सादा सिंपल सनशेड मिलता है। यहाँ पर देखें तो ग्रैब हैंडल हार्ड प्लास्टिक में देखने के लिए मिलता है। तो ये है कुछ आगे इसका फ्रंट, काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों। इसके जो म्यूजिक सिस्टम वगैरह की या साउंड की आवाज है उसे सुनने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल, आपको नीचे स्क्रीन पर शो हो रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, या दूसरे यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स का लिंक आप देख सकते हैं, तो वहां से आपको जो है इसकी साउंड सुनने को मिल जाएगी कि कैसी इसकी साउंड होने वाली है। अब चलते हैं दोस्तों पीछे की तरफ, पीछे क्या मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज रह गई कि जैसे कि ORVM है उसे एडजस्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर डंडी दी गई है, ठीक है। कोई वैसा इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब करते हैं डोर को बंद, पीछे की तरफ आते हैं। तो दोस्तों डोर पे देखिए, अब VXI प्लस वेरिएंट है, लेकिन VXI प्लस वेरिएंट में भी आपको ये चक्के वाला सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। मतलब इस गाड़ी में सभी वेरिएंट्स में दोस्तों ये पीछे की तरफ तो देखने के लिए मिलने ही वाला है। डोर हैंडल सिल्वर में मिली गया। उसके बाद देखें तो यहाँ पर देखिए एक चीज और बता दूं मैं, किसी भी सीट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेगा, सब में फिक्स्ड हेडरेस्ट ही मिलने वाला है। पीछे अगर सीटिंग साइज की और स्पेस की बात करूं तो थोड़ा सा आपको कम मिलने वाला है। गाड़ी छोटी है तो दोस्तों ये तो ऑटोमेटिकली कम मिलेगा ही, ठीक है। पीछे की तरफ से देखें तो डैशबोर्ड वगैरह कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है, ये देखिए। ओके, तो ये है यहाँ पर कुछ ऐसा देखने के लिए। एक चीज और दिखा देता हूँ, अब पीछे बूट स्पेस, कितना स्पेस आपको देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए हमें चाबी का यूज करना पड़ेगा या फिर अंदर की तरफ से ओपन करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, छोटा सा टेलगेट है, आराम से खुल गया आसानी से। उसके बाद देखिए 214 लीटर की कैपेसिटी का आपको यहाँ पर बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है, ठीक ठाक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ देखिए पार्सल ट्रे भी मिल जाती है इस वेरिएंट में, ये एक अच्छी चीज है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर स्पेयर व्हील की बात करूं तो सेम साइज का स्पेयर व्हील मिल रहा है आपको, 145/80 R13 का, तो इसमें कोई कटौती नहीं की गई है। बाकी देखिए टेल गेट वगैरह है ना, उसको अच्छे से यहाँ कवर किया गया है। यहाँ पर जो वायरिंग वगैरह दिखती है ना डिजायर में, वो यहाँ कुछ नहीं दिखेगी, ये अच्छे से कवर किया गया है। इसे कर देता हूँ मैं बंद, लेकिन इससे पहले ऐसे, उसके बाद इसे कर देता हूँ मैं बंद, ठीक है। तो ये थी दोस्तों ऑल्टो के VXI प्लस वेरिएंट की वीडियो। वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।